मनिंदर जी थोनू लगदा सरताज कीरत नू प्यार करदा? ओहो गुरमन, तू हर वार ओही सोचदी है। तैनू किन्नी वारी मैं समझा चुकिया वो रिश्ता कीरत लई सही नहीं है। मैं तो सरताज बारे पूछ रही हाँ सिर्फ कि थोनू लगदा वो कीरत नू प्यार करदा? जदों सरताज मैनू गले मिलन आया सी ना, मैं उदों ही समझ गया सी। हाँ, सरताज कीरत नाल हर गल शेयर करदा, पर मैनू कीरत वल्लों एहो जिहा कुछ नहीं लगदा। पर अज जदों दे लवली आंटी मैनू इह दस के गए है कि सरताज ते अर्शप्रीत दा रिश्ता हो सकदा, मैनू तां उहदी फिकर होई पई है। वधिया गल है कि कीरत नूं सरताज नाल प्यार नहीं होया, नहीं तां इह गल सुण के ना कीरत दा दिल टुटना सी। मैं तां कीरत लई बहुत खुश हाँ। पर जे सरताज ते कीरत इह रिश्ता चाहुंदे होए ना तां मैं किसे होर रिश्ते लई राजी नहीं होणा। ओह गुरमन, आपां इस मसले ते किन्नी वारी गल कर चुके हैं, इसलिए मैं हुण कुछ नहीं बोलना ते तू भी सो जा। आ योगा करन नाल मन ते सेहत दोनों वधिया रहिंदे ने। अच्छा, वाह, चल फिर सानू भी सिखा। हाँ चल चल। आंटी जी, मैं शम्मी अंकल ने ना अनार दा जूस बना के ले आई हां। मैं ऑनलाइन देखिया सी कि सेहत वास्ते बहुत वधिया होंदा है। शम्मी अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। शम्मी जी हजे सो रहे है, इत्थे रख दे, मैं आपे बाद च दे दवांगी। वैसे तुसी इन्ना उच्ची उच्ची क्यों हंस रहे सी? साडा घर है, असी कुछ मर्जी करिए, तेनू की? तुहाडे हसन दी आवाज़ां ना साडे घर तक आ रहीआं सी। तुसी साडे गुआंढी हो, मैं सोचिया हाल चाल पुछ लैनी आ। तेनू कोई लोड़ नहीं साडा हाल चाल पुछण दी, तू अपना काम कर। एवें बिना गल दे ना साडे घर च दखल ना दे। मम्मी जी, इहदी नज़र साडे घर ते ही रहिंदी है, पता नहीं कदों खेड़ा छुटूगा इहनां तों। किरणजोत आंटी, सब नूं पता है कि कौन चंगा है ते कौन माड़ा, ये दसन दी लोड़ नहीं। किसे नूं नहीं, तेनू दसन दी लोड़ है। अपने अंदर झाक के देख कौन चंगा ते कौन माड़ा। चीटर किसे था दी? प्रभजोत आंटी, तुसी तां रहण ही दो, लोहड़ी वाले दिन सब नूं पता लग गया कि किहदे मन च चोर है ते कौन चीटर है। कीरत, प्रभजोत छड्ड, क्यों ऐवे मुंह लगदी है? ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਸਬਾਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਆ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ, मैं गड्डी रोक लिया, पहला तू बोलना की बोलना, मैं फिर गड्डी चलाऊंगा। ठीक है। तन्नू पता है मेरे शहर विच सारे मेनु की कह के बुलांदे सी? नहीं, की कह के बुलांदे हैं? मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स कह के बुलांदे सी सारे मेनु। कोई तो रास्ता दियो बाबा जी इस बला तो बचन दा।
जो हुण तेरियां गल्लां मुक गईयां आपां चलिए। हाँ ओ आंटी जी दिखदा नहीं तुहानू पुत्तर आंटी जी सुनाई नहीं दिंदा तुहानू आ रोड दे विचकार क्यों खड़े हो पुत्तर बुड्ढी दी मदद कर दे परमात्मा पली करूंगा मैं चंडीगढ़ जाना है मैनू चंडीगढ़ तक छड़ दे बाबा जी दी कृपा है तेरे नाल रस्ते विच लिफ्ट जरूर दे दी बाबा जी दी कृपा तेरे नाल रहूंगी अच्छा एक कीरत दा प्लान है अशप्रीत तेनू लोकां दी मदद करना कितना लगदा ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਊ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਸ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾ ਆਂਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਆ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਬੈਠੋ ਆਂਟੀ ਬੁੱਢੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਊਗੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਸ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰੁਕ ਲਾਂਗੇ ਹੋਟਲ ਕਿਉਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਅਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਟਿਫਿਨ ਹੁਣ ਆਲੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲੈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
खत्म हो गया ते आपा चल सकते हैं? नहीं बस आपा चलते हैं, आ हो गया। ले आंटी जी मैनू फड़ाओ। हाले अश्विनी मेरी तो तबीयत ही खराब होगी। अरे आंटी जी ठीक हो तुसी? पुत्र चल मेनू ना चंडीगढ़ छड़, तू ना मेनू वापस घर ही ले जा। हाँ सरताज सानू ना इन्हां नू घर ही छड़ देना चाहिए। पता नहीं ये कौन ने, जिन्हां नू कुछ हो गया तो साडे पल्ले पै जाणगे। पुत्र मेरी तो तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है, फटाफट ले जा। एक कुड़ी ने तो शॉपिंग ते मम्मी दा पूरा प्लान ही कैंसिल करता। हाँ आंटी जी जे तुसी कहने हो तो मैं तुहानू हॉस्पिटल छड़ देना। ना पुत्र तू मैनू घरे ही छड़ दे। ठीक है। बस बस इत्थे ही रोक दे। पुत्र हुण ना मैं ऑटो रिक्शा लेके चल जूंगी, तू घर जा वापस। नहीं नहीं आंटी जी तुसी दसो मैं घर छड़ दां तुहानू। ओ पुत्र नहीं मैं आपे चले जूंगी। नहीं नहीं आंटी जी तुसी मैनू एड्रेस दसो मैं घर छड़ के आउणा तुहानू। चल फिर इत्थों राइट ही ले ले। ठीक है। ठीक है आंटी जी, ख्याल रखियो अपना। ठीक है अपनी सेहत का ध्यान रखियो खासकर। ते धन्यवाद तुसी अपनी सेवा का मौका देता। ठीक है आंटी जी। सरताज चलो हुण असीं अग्गे बहुत लेट आ। ठीक है आंटी जी चलदे आ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਰਤਾਜ। शम्मी आज GST पेमेंट हो गई है, ते जो भी तेरे होलसेलर्स ने उन्होंने सेल्स ऑफर्स का फायदा देख के अपने ऑर्डर डबल कर देते ने। वाह ये तो कमाल हो गया मनी, मैं तेरा काम देख के बहुत खुश हाँ। पर एक गल का मैं अफसोस भी है कि तेनों खुद का बिजनेस ते मेरी कंपनी का काम ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਿਰਤ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। शम्मी पुत्र
मनी किन्नी मेहनत करता पिया ना, तेनू कुछ तनखाह देनी चाहिए मनी नू। मैं तो इस वास्ते कह रही हूँ कि तेनू भी नहीं लगेगा कि वो फ्री च काम कर रहा है, नाले मनी दे चार पैसे बन जाएंगे, कल उन्हें अपनी धी का विआह भी तो करना है। ठीक ही तो कह रहे मम्मी जी, सब कुछ तो है साढ़े को, फिर की लोड़ है किसी का सहारा लैन की। नहीं नहीं जी, मैं ये काम सिर्फ अपनी दोस्ती खातिर कर रहा। ये साड़ी दोस्ती का मसला है, तुसी इस विच ना ही को तो ज़्यादा बेहतर है। मैं पता है मैं की करना ते की नहीं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। नहीं नहीं यार, चल ठीक है शमी, मैं हूँ निकलता। ठीक है, सत्या जी। कीरत कित्थे रह गई सी तू, बुरका पाके कित्थे गई सी? मम्मी मम्मी आज मैं सच्ची सरताज दे नाल बड़ा मजा आया। कीरत जे प्रभजोत तो उन्हां नूं अपने नेड़े लियाउण दी कोशिश कर रही है तां तू क्यों आ रही उन्हां दे विच? मम्मी सरताज नहीं चाहुंदा कि अशप्रीत उहदे नेड़े आए, उन्हें मैनूं खुद कॉल करके बचाउण लई बुलाया सी। कीरत ते सरताज एक दूजे दे नेड़े आ रहे हैं ते कीरत भी सरताज दा साथ दे रही है, किते प्यार तां नहीं? गुरमन, कीरत तुहानू पता अज की होया? कोई खुशखबरी होनी है जेड़ा तुसी इन्ने खुश लग रहे हो, पर छेती दसो। मैं अज गुरु घर जाना, अज बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा ना, खुशी का दिन है अज, ते अज दे दिन ही बाबा जी ने आपां नूं आशीर्वाद देता जेड़ा तुसी इन्ना खुश लग रहे हो। किरत पुत्तर तैनू पता है बाबा दीप सिंह जी ने अपनी सारी उम्र सिख पंथ की सेवा की, वो श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल ते श्री दमदमा साहब दे भी मुखी सन। धन धन बाबा दीप सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ पुत्र, मैं दस रहा सी कि मेरे ते शमी दे बिजनेस की जिम्मेवारी होर भी वध गई है। सिंह साइकल्स वर्क्स की सेल्स का सब तो वध रिकॉर्ड बनया इस बारी, ते गवर्नमेंट ने पोल्यूशन फ्री ट्रैवल प्रमोट करने लिए अगे मेरा नाम अनाउंस किया। तुहानू पता है मैं हुण कुछ समय लिए शमी का बिजनेस एज अ सेल्स डायरैक्टर संभालांगा, ते नाले गवर्नमेंट ने मैनू पोल्यूशन फ्री ट्रैवल प्रमोट करने लिए एक अवार्ड भी अनाउंस किया। गुरमन, दिलों के रिश्ते भी किस तरह के होंगे ना, रब ने मैनू अपना बिजनेस वधाने लई नहीं शमी दे बिजनेस वधाने लई सरकारी अवार्ड दिलाता। तुहानू क्यों नहीं समझ आता है सब, दिलों के रिश्ते की कीमत कदों जानोगे तुसी? मणि नू पैसे देने का मतलब समझ दो तुसी, साढ़े इन्ने सालों की दोस्ती की बेइज्जती करना। की होया तुसी चंडीगढ़ तो इन्नी जल्दी आ गए कि चंडीगढ़ बंद सी? हाँ मामो। नहीं आंटी जी, अब चंडीगढ़ नहीं साड़ी किस्मत बंद सी।
हाँ मामो असी जा रहे थे ना तो रस्ते से सानू ना एक बुढ़ी जनानी मिली उन्हें बुरका पाया हुआ तो उन्हें साढ़े तो लिफ्ट मंगी अर्शप्रीत ने भी मैंने कहा कि सानू दी हेल्प करनी चाहिए तो मैं उन्हें लिफ्ट देती तो फिर असी उन्हें नाश्ता भी कराया बाद चो तबीयत खराब होगी तो फिर मैं फिर साड़ा भी मूड ऑफ हो गया।